हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट और लेसन सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर पार्ट सेकंड। इन द प्रीवियस वीडियो वी आर स्टडी रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउस दैट दे आर फ्रेंडली विथ अस एंड व्हाट इज द रीजन दैट उसके रिलेटेड हम लोगों ने स्टडी किया था एंड हाउ वी कैन यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर डेली लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द मेडिकल, इन द इन्वायरमेंट, ये क्या है, इनमें हम लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बट नाउ वी आर स्टडी हाउ दे कैन सेपरेट एंड हाउ दे कैन डिजीज गिव टू डिजीज टू अस, ये हम लोग स्टडी करते हैं आज के वीडियो में। ओके सो लेट्स स्टार्ट। पैथोजन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये वो होते हैं जो डिजीज कोजिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। सो सिंपल सा हम लोग समझ सकते हैं, जो हमें डिजीज देते हैं या डिजीज कोजिंग एजेंट आर कॉल्ड पैथोजन। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये बाय द एयर, बाय द फूड, ये क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। ये एंटर होने के बाद में क्या होता है स्टूडेंट, ये हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्या देते हैं, डिजीज देते हैं। अब ये डिजीज़ डिपेंड करता है उस पैथोजन पर ही कि वो कौन से टाइप का पैथोजन है और हमें कौन सा डिजीज देगा। ओके सो पैथोजन समझ में आया। नेक्स्ट कम्युनिकेबल। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो डिजीज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल कौन से होते हैं उससे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज आर दैट डिजीज सेपरेट बाय इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। मीन्स जो एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, मीन्स जिसको डिजीज होता है, इन्फेक्टेड मीन्स जिसको डिजीज है, ठीक है, वो स्पेड कर देता है, मीन्स दूसरे को दे देता है। किसको, हेल्थी पर्सन को जिसको डिजीज नहीं होता, ठीक है, वो बाय द एयर, बाय द वाटर, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, जो स्पेड होते हैं। ओके नॉन कम्युनिकेबल कौन से होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल में आ गया जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बाय द एयर, बाय द टच, क्या होता है, सॉरी बायलेटस तो फिजिकल, वो तो कम्युनिकेबल हो गया। नॉन कम्युनिकेबल को तो कौन सा होते हैं जिसमें हम बिना कुछ बात की ही वो फैल जाता है, बिना उसके क्लोज जाए ही फैल जाता है। ओके ऐसे जैसे कोरोना है स्टूडेंट्स, वो क्या है, कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल है, राइट। कम्युनिकेबल कैसे है, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स वो बाय द एयर भी फैलता है, बाय द फिजिकल भी फैलता है वो, ठीक है। ये क्या है, जब हम लोग किसी ए हेल्थी पर्सन से बात करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन, तो क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो माउथ से होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती है, या बाय द स्नीजिंग, बाय द कॉफिंग जो ड्रॉपलेट्स होती है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है, और वो ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, उनमें क्या होते हैं, वायरस होते हैं, और वो जब कोई इन्फेक्टेड हेल्थी पर्सन उस प्लेस से मूव करता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है उस वायरस से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो डिजीज भी होते हैं स्टूडेंट्स वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ डिजीज होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं, कोई कुछ डिजीज प्रोटोजोआ, कुछ जो डिजीज होते हैं वो बाय द वायरस होता है। जैसे कोरोना एक एग्जाम्पल है, कोरोना क्या है, ना ही बैक्टीरिया ना ही प्रोटोजोआ, वो क्या है, एक वायरस है जो डिजीज देता है। ओके स्टूडेंट्स कम्युनिकेबल समझ में आया। नेक्स्ट कैरीज। कैरियर्स कौन से होते हैं, इंसेक्ट एंड एनिमल्स, ये एग्जाम्पल है दोनों, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जो ट्रांसफर करते हैं डिजीज को, अब ट्रांसफर कैसे करते हैं, या तो कैरी करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या हुआ, वो कैरी किया वो वायरस या बैक्टीरिया, फिर देन वो क्या मूव
मूव टू ए हेल्थी पर्सन, ठीक है, तो वो उनको क्या बोलते हैं, कैरीज बोलते हैं, जो इंसेक्ट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इसमें हम लोग एयर वाटर ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, कौन कौन से जो इंसेक्ट या एनिमल्स होते हैं। जो एनोफिलीज मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, मलेरिया देता है, कौन सा डिजीज देता है, मलेरिया डिजीज देता है। सो एनोफिलिया जो मॉस्किटो है वो किस एक कैरी किया, किसको, जो डिजीज होता है उसको कैरी करके किस में दिया, एक हेल्थी पर्सन को, जब वो इन्फेक्ट करता है तो उसको क्या देता है, डिजीज दे देता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा कैरी। नेक्स्ट इसमें जो सेकेंड एग्जाम्पल है, फीमेल एड्स, एड्स, फीमेल एड्स क्या होता है, जो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमें डेंगू फीवर देता है, कौन क्या देता है, डेंगू फीवर। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कैरीज के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फूड पॉइजनिंग। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द जो बाहर का जो खाना हम लोग खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग होती है, वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है ना, ये एक रीजन होते हैं फूड पॉइजनिंग के। अब स्टूडेंट्स ये फूड पॉइजनिंग कैसे होता है वो देखते हैं। कंजप्शन ऑफ स्पॉइल फूड, जब हम लोग स्पॉइल फूड को खाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अब फूड पॉइजनिंग क्यों होता है हमें, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या है स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग का, जब स्पॉइल फूड क्यों होता है स्टूडेंट्स, स्पॉइल फूड उसका रीज़न ये है कि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोबैब्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे वो क्या कर देती है, उस फूड को टोटली क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है, एंड उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स जो स्पॉइल फूड होता है उसमें से स्मेल आना स्टार्ट, जब हम लोग वो फूड को हम लोग ईट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें वो हमें फूड पॉइजनिंग से इन्फेक्टेड हो जाते हैं हम, और हमें वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। और समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग और ऐसे ऐसे डिजीज हो जाते हैं जो हमें इल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में स्टूडेंट्स हमें वो डेथ भी हो सकती है उसमें, उस इन्फेक्टेड पर्सन की। नेक्स्ट जो पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, फूड में। अब वो फूड जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या कर देते हैं, उसको जो वर्क होता है उसको टोटली वैसे अकॉर्डिंग टू वैसे वर्क नहीं करता और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। नेक्स्ट है कोज सीरियस इलनेस और डेथ, और इसमें क्या होती है, हमें बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं, और कभी कभी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे डिजीज हो जाते हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से कि हमारी उसमें डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग जो फूड स्पॉयल होता है उसको कैसे हम लोग उसको सेफ रख सकते हैं, वो क्या हमारा फूड प्रिजर्वेशन है। इसमें कुछ टाइप्स है, केमिकल मेथड है, बाय सॉल्ट, बाय शुगर, बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट, कोल्ड, ये क्या है, फाइव टाइप्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फूड प्रिजर्वेशन। ओके, फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इसमें हम लोग बाय द केमिकल कुछ ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो फूड है उसको प्रिजर्वेट करते हैं। ओके, इसको देखते हैं, केमिकल दैट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मींस जो केमिकल हम लोग डालेंगे वो क्या करते हैं, चेक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, स्टॉप कर देते हैं या किल कर देते हैं, वो क्या है, केमिकल मेथड हमारा। इसके अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी आता है कि राइट द टू नेम ऑफ केमिकल मेथड। सो फर्स्ट हमारा हो गया सोडियम बेंजोइल एंड सेकंड है सोडियम मेटाबाई सल्फेट। ये हमारे पास टू केमिकल मेथड है
जिसमें हम लोग जिससे हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करते हैं केमिकल मेथड में, ठीक है। सोडियम बेंजोइल एंड सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है बाय सॉल्ट। बाय सॉल्ट क्या है स्टूडेंट्स, मीट एंड फिश इसके अंदर एग्जांपल है। जो साल्ट हम लोग क्या करते हैं फूड के अंदर, हम लोग सॉल्ट मिक्स करते हैं। सॉल्ट मिक्स करने पर क्या होता है, जो उसके अंदर माइक्रोबेब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनकी जो ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, एग्जांपल से मीट है या फिश, आमला या रो मैंगोज, जो हम लोग अचार जो होता है ना उसको, रो मैंगोज है, इनको हम लोग क्या करते हैं बाय द सॉल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इनको प्रिजर्वेट करते हैं। बाय शुगर, अब शुगर से कैसे करते हैं, जैम्स और जेलीज होती है, ये क्या करती है स्टूडेंट्स, जो माइक्रोबेब्स होती है उनको ग्रो नहीं होने देती। जो जेलीज है जैम्स है इनका एक एग्जांपल है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने देखा होगा जेलीज और जैम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी टाइम अगर हम लोग रखेंगे तो भी वो क्या होगा, ख़राब नहीं होती। उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, वो बाय शुगर, शुगर उसमें ऐड होती है इसलिए वो स्पॉयल नहीं होती है। नेक्स्ट बाय ऑयल एंड विनेगर, अब ऑयल और विनेगर से हम लोग कैसे उसको प्रिजर्वेट करते हैं, जो पिकल पिकल्स एंड वेजिटेबल पिकल्स जो अचार होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा उसके अंदर हम लोग घर पे मोस्टली जो बनाते हैं उसमें अचार में क्या क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं पिकल्स जो है अचार है, एंड विनेगर जो यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स, विनेगर यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स में भी ऑयल यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो फूड होता है उसको क्या कहते हैं ड्राई बना देता है। ड्राई कैसे बनाता है, माइक्रोवेव से, और माइक्रोवेव्स को उसमें ग्रोथ नहीं करने देता, ठीक है। नेक्स्ट हीट एंड कोल्ड, हीट एंड कोल्ड तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो हम लोग घर में जो वेजिटेबल्स होती है उनको कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। ओके फ्रिज में रखते हैं, अब जो हम लोग हीट भी करते हैं, हीट कैसे करते हैं, जैसे बॉयल वाटर होता है उसके अंदर माइक्रोवेव्स 0% होता है, जस्ट बिकॉज जब हम लोग उसको हीट देते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोवेव्स वो टोटली क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, एक प्योर वाटर बन जाता है। ओके सो हीट एंड कोल्ड इज ए एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, इनको क्या करते हैं हम लोग वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि उनको हीट जो कोल्ड इन्वायरमेंट की नीड होती है प्रिजर्वेट करने के लिए। मिल्क को हम लोग भी क्या रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, जस्ट बिकॉज इनमें भी क्या होते हैं, इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पेस्टुरेशंस। पेस्टुरेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, द मिल्क इज हीट टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 seconds, देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। इसको क्या बोलते हैं डिस्कवर, ये इसको बोलते हैं पेस्टुरेशन, और ये किसने किया था, डिस्कवर लुइस पाश्चर ने, जिसका साइंटिस्ट का नेम है लुइस पाश्चर ने। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे हम लोग, हीट देंगे 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देन उसके बाद में उसको 50 to 30 seconds इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, देन उसके बाद उसको सडनली क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, चिल्ड करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे। इसको बोलते हैं पेस्टुरेशन, एंड ये जो हमें डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट का नेम था लुइस पाश्चर ने किया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग नाइट्रोजन साइकिल जो स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ओवर टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। इन और एटमॉस्फेयर देर आर 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस, कितने परसेंटेज होती है, 78% नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट, जो इसका साइकिल है वो कैसे चलता है वो हम लोग स्टडी करते हैं। इसका सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही इसका साइकिल चलता है, जैसे जो रेन होती है ना उसका साइकिल चलता है उसी तरीके से इसका साइकिल चलेगा। जैसे एटमॉस्फेयर में क्या है नाइट्रोजन स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग ये जो आउटर सर्कल है उसको स्टडी कर दें। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, वो क्या करती है, आएगी
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन को जब लेंगे एटमॉस्फेयर से, उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और नाइट्रोजन में फिक्स कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ से मूव होता है नेक्स्ट स्टेप, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। जो बैक्टीरिया ने क्या लिया था, जो नाइट्रोजन लिया था स्टूडेंट्स, उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया टर्न इनटू द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब जो बैक्टीरिया ने क्या किया था, जो चेंज किया था नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस में, वो कंपाउंड क्या होंगे स्टूडेंट्स, कहाँ मिक्स हो जाएंगे, सॉइल में। अब मैं यहाँ से इस वाले स्टेप को नेक्स्ट स्टडी कर देंगे, पहले हम लोग यहाँ चलते हैं वापस। अब जो सॉइल में जो कंपाउंड मिक्स हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन। अब बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, उन कंपाउंड्स को उन सॉइल से लेंगे और किस में चेंज करेंगे, नाइट्रोजन को गैस में चेंज कर देंगे, कंपाउंड को किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देंगे। वो गैस कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में। देन एटमॉस्फेयर में वापस नाइट्रोजन आ गई, तो ये हमारा सर्कल हो गया। चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ थे हम लोग, ये स्टडी करते हैं जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था, किसने किया था, बैक्टीरिया ने फॉर्म किया था। अब यहाँ से जो सॉइल के अंदर जो कंपाउंड्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, अब टेक बाय प्लांट, प्लांट क्या कर लेंगे, जो सॉइल से ऑब्जर्व कर लेंगे उन कंपाउंड्स को। देन नेक्स्ट स्टेप, एनिमल ईट प्लांट, और वो प्लांट्स को क्या करते हैं, एनिमल ईट करते हैं। अब जो एनिमल ईट करेंगे उन प्लांट्स को, नेक्स्ट स्टेप को अगर नाइट्रोजन वेस्ट, जब वो एनिमल्स वेस्ट, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल होगा, वो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे एंड डेथ, या फिर वो डेथ हो जाएंगे, तो क्या होगा, वापस यही स्टेप आ जाएगा। जब डेथ हो जाएगी या फिर जो उनका वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ पे आएगा, सॉइल में आएगा। देन सॉइल से वापस वही स्टेप मूव हो गया, बैक्टीरिया क्या कर देंगे, उस कंपाउंड को जो वेस्ट और एक्सक्रेट किया हुआ मटेरियल है, उस कंपाउंड को क्या कर देंगे, बैक्टीरिया टर्न चेंज कर देंगे कंपाउंड को नाइट्रोजन में और इनटू गैसेस नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देंगे। देन वो गैस वापस हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ये एक साइकिल होता है पूरा नाइट्रोजन का, कहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं से क्या होता है, यूज़ होने के बाद वापस फ्री हो जाता है एटमॉस्फेयर में। इसका मेन जो रीज़न है स्टूडेंट्स, क्या होता है इससे, कि जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में इक्वल रहती है, ना ही वो बढ़ती है ना ही वो कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपका जो होमवर्क है वो फाइंड रीड लेसन सेकंड एंड फाइंड क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।